गांधी परिवार के बेहद करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र से कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद वो मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे मिलिंद देवड़ा शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद मिलिंद देवड़ा को पार्टी में शामिल करवाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यह एक बड़ा झटका महाराष्ट्र से मुंबई से लगा है, जहां मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है और आज शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। और अब दर्शन के लिए पहुंचे हैं वो सिद्धि विनायक मंदिर, लेकिन मिलिंद देवड़ा ने यह पहले ही संकेत दिए थे कि सीट बंटवारे को लेकर पार्टी हाईकमान प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर जल्द से जल्द फैसला करे, वरना वो कोई बड़ा और नया कदम उठा सकते हैं। दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट को लेकर के उनकी इच्छा चुनाव लड़ने की, और ऐसे में उनकी राय पर गौर न करने के बाद मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मिलिंद देवड़ा को आखिर इस पर क्या कहना है, ये सबसे पहले सुनिए। मी विकास मार्गावर जात आहे, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मी विकास मार्गावर जात आहे, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलिंद देवड़ा ने कह दिया कि अब वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी है, शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। और अब जो एक बड़ी बात सामने आई है वो ये कि उन्होंने पहले ही कहा था कि वो दक्षिण मुंबई सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस पर गौर नहीं किया गया क्योंकि शिवसेना के वहां से मौजूदा सांसद हैं। श्रेया हमारी सहयोगी मुंबई से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। श्रेया, जिस तरीके से ये गहमा गहमी सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे हैं मिलिंद देवड़ा, क्या कहा उन्होंने विकास के रास्ते के अलावा, वजह क्या है उनकी कांग्रेस छोड़ने की? देखिए, इस वक्त हम सिद्धि विनायक मंदिर में हैं और इस वक्त मिलिंद देवड़ा जो है वो गणपति बापा के दर्शन कर रहे हैं और आज करीब 2 बजे जो है वो एकनाथ शिंदे के निवास वर्षा पर जाकर वो शिंदे गुट से जो है वो हाथ मिलाने वाले हैं। लगातार ये खबरें आ रही थी कि इंडिया गठबंधन में जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर काफी ज्यादा जो है वो दिक्कत हो रही थी। ऐसे में मिलिंद देवड़ा चाहते थे कि साउथ बॉम्बे से लोकसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़े, लेकिन आपको बता दें कि UBT यानी कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता अरविंद सावंत जो है वो लगातार 2 सालों से उस सीट को जो है जीत कर वहां पर बैठे थे, जिसको लेकर जो है वो नाराजगी कांग्रेस में चल रही थी। और आपको बता दें भी कुछ दिन पहले कांग्रेस की बैठक भी हुई थी जिसमें मिलिंद देवड़ा जो है वो शामिल नहीं हुए थे क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर भी वहां पर कई सारी बातें हुई थी, लेकिन साफ तौर पर उस दिन भी जो है मिलिंद देवड़ा कांग्रेस की उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या मिलिंद देवड़ा जो है अपनी ही पार्टी से जो है वो नाराज है। और हम आपको बता दें कि आज सुबह जो है मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि 55 साल का रिश्ता जो है वो कांग्रेस से जो है वो तोड़ रहे हैं, काफी लंबा रिश्ता रहा है, उनके पिताजी जो है वो भी कांग्रेस के साथ रहे। तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा की भी शुरुआत हुई और ऐसे में लगातार कांग्रेस को बड़े झटके लगते नजर आ रहे हैं।